नमस्कार, मैं शेफ कालू सिंह गुर्जर। आज हम एक कॉम्पी से वेजिटेबल अगरथिन, जिसको हम वेजिटेबल बैग वेजिटेबल भी बोल सकते हैं, अगरथिन फ्रेंच में बोलते हैं हम, तो वेजिटेबल बैग वेजिटेबल बना रहे हैं। बैग वेजिटेबल ओबेसनीली एक बैग होके जाता है, ऊपर से चीज़ की टॉपिंग जाती है उसमें, तो उस तरीके से हम बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में हम कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कौन सा वेजिटेबल किस तरीके से कट करके और किस तरीके से मिक्स करना है, क्या क्या वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें जाएंगे, कौन सा सॉस में बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, बैग वेजिटेबल बनाएंगे हम। बैग वेजिटेबल के लिए हमने वेजिटेबल्स ये इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स तैयार किया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले ये कॉर्न है, अमेरिकन कॉर्न जिसको बोलते हैं हम, ये ग्रीन पीस है, ये बेबी कॉर्न है जो टिन्स का है, आप फ्रेश बेबी कॉर्न भी यूज कर सकते हैं इसमें। देन ये ग्रीन पीस है जो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं ब्लांच करके, तो अभी हमने फ्रोजन यूज किया है। देन ये ब्रोकली है, तो इस तरीके से इसको ब्लांच कर सकते हैं। देन ये कैरेट है, कैरेट को भी आप ब्लांच कर सकते हैं। देन ये आपका बीन्स है, फ्रेंच बीन्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स इस तरीके से कट करके इसको रेडी करने के बाद, देन आप सबसे पहले उसके लिए व्हाइट सॉस बनाओगे। व्हाइट सॉस इस तरीके का रहेगा जो कि आप 1 किलो दूध गर्म करने के बाद में, देन उसमें थोड़ा सा लौंग और ऑनियन के, देन थोड़ा सा बेल के साथ में उसको बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद देन आप उसमें रू बनाएंगे। रू आप ओनली बटर से बनाएंगे। रू मीन्स कि आप उसको थिकनेस करने के लिए मैदा को बटर में भून के और थोड़ा सा बर्न करके, देन उसमें मिल्क में थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, और ऐड करने के साथ साथ आप उसको बीटर से फेंटते रहेंगे कंटिन्यू, ताकि उसमें कंक्रीट इस टाइप का नहीं पड़ेगा। तो देन उस वो सॉस बनाने के बाद देन उसमें आप सॉल्ट यूज करेंगे। देन ये ब्लैक पेपर है, देन ये ऑर्गेनो है, थोड़ा स्वीट जाएगा वो, तो थोड़ा शुगर यूज करेंगे। देन ये अमूल क्रीम है, अमूल क्रीम यूज करेंगे। ये मोजरोला चीज़ है, ये अमूल चीज़ है, अमूल प्रोसेस, तो आप ये दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं। ग्लेज के लिए आप उसको थोड़ा सैंडविच के लिए अमूल चीज़ यूज करेंगे। देन ये बटर है। तो इससे ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार होने के बाद में आपका बैग वेजिटेबल बन के तैयार होएगा। बैग वेजिटेबल बनाने के बाद में देन हम इसको ओवन में, मैं आपको बताऊंगा ओवन में किस तरीके से हम बेक करेंगे उसको। अब इसके बाद किस तरीके से हमने इसको व्हाइट सॉस में और वेजिटेबल को कैसे कॉम्बिनेशन करके कैसे बैग वेजिटेबल बनाना है, तो मैं उसके लिए आपको अभी बैग में इसको मिक्स करके देन आपको प्रॉपर तैयार करके मैं अभी बताता हूँ। उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखना। स्टार्ट। ये इस तरीके से फ्लेम ऑन किया, देन आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरीके का जो सिल्वर है उसमें भी बना सकते हैं, ताकि ये लगेगा नहीं। लोहे में हम बनाने से थोड़ा सा लगने सॉस और ये क्रीम को थोड़े लगने के चांसेस रहते हैं, तो इस तरीके का नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे, जो यूजेबल हो उसमें बनाएंगे। देन सबसे पहले बटर डालोगे पैन में, अमूल बटर यूज करोगे आप उसके लिए। ये आपको मैंने बताया था व्हाइट सॉस, बटर डाला, देन इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था ये व्हाइट सॉस, इसको आप डालोगे इसमें, थोड़ा ये आपका ये अमूल क्रीम है, थोड़ा ये इस तरीके से अमूल क्रीम टच करोगे। देन इसको बढ़िया सा कुक करोगे, मिक्स करोगे, ताकि जो ये व्हाइट सॉस में जो लम्स पड़े हुए हैं ये नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद ये वेजिटेबल ऐड करेंगे हम इसमें, एक कैरेट, देन ये बीन्स आपके इस तरीके से एक पोर्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे आज हम। देन ये फ्रेश बेबी कॉर्न आपके, ये अमेरिकन कॉर्न आपके थोड़ा सा क्वांटिटी में, देन ये ब्रोकली आपका, देन ये ग्रीन पीस, इसको वेजिटेबल डालने के बाद इस तरीके से मिक्स करोगे आप इसको।
देन थोड़ा सा आप इसको स्वीट रखोगे, स्वीट देन साल्ट, तो थोड़ा सा आप इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ा शुगर टच करोगे, इस तरीके से आप मिक्स करोगे। हल्का शुगर, शुगर ऐड किया, देन ये आपका ब्लैक पेपर, आपका थोड़ा सा ऑरिगेनो, देन आपका ये चीज, अमूल चीज प्रोसेस, देन ये आपका गोदरेला चीज, इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करोगे आप इसको। ये इस तरीके से आप मिक्स करोगे, ये इतना ही थीन होना, वो सॉरी ठीक होना चाहिए, इस तरीके का ये ठीक होना चाहिए, इस तरीके को वेजिटेबल सॉस की उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए जितना वेजिटेबल्स है। तो आज हमने एक पोर्शन के अकॉर्डिंग बनाया, मैं इसके बाद देन आपको इसको बेक करके और सर्व करके बताऊंगा, तो उसके लिए आप फिर देखते रहिए। आप बॉल चाइना प्लेट में या फिर आप कोई भी स्टील में इसको बेक कर सकते हैं, और आप इसको बिना बेक के भी खा सकते हैं, चीज़ ऐड करके उस तरीके भी खा सकते हैं, लेकिन बेक मीन्स बेक करके, चीज़ से हमने इसको बेक करके बेक वेजिटेबल कर लिया। तो हम इसको बॉल चाइना प्लेट में इस तरीके से निकालेंगे, चाय ये इसको बैक करने के लिए आपका ये अमूल चीज, इस तरीके का चीज इतनी क्वांटिटी में डालना है आपको, चीज से थोड़ा कवर होना चाहिए पूरा, ये आपका अमूल चीज होगा, थोड़ा प्रोसेस चीज कर दोगे, अमूल चीज से आपका शाइनिंग भी हो जाएगा और प्रोसेस चीज से थोड़ा सा ड्राई टाइप का रहेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको बैक करके दिखाता हूँ, उसके बाद बैक कलर कितना कलर देना है इसको, कितने टेम्परेचर में करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ओवन है, आप इससे छोटा स्मॉल साइज का ओवन भी मार्केट से ले सकते हो, जिसको पिज्जा ओवन बोल सकते हैं, जिसको टोस्टर भी, इस तरीके का जो टोस्टर ओवन होता है उसमें भी कर सकते हो आप। तो ये हमने इसको इस तरीके से सेट किया है, देन ये आपका रहेगा, वो अप रहेगा आपका 200 रहेगा और डाउन रहेगा आपका जो रहेगा, ये आपका मध्यम है, इसको भी आप 200 से 180 के आसपास कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, देन उसके बाद आप इसको मैं अभी बैक वेजिटेबल एकदम सर्व करने वाला हूँ, तो आप तैयार रहे खाने के लिए, तो मैं अभी लेके आ रहा हूँ बैक वेजिटेबल। ये आपका ये इस तरीके का आपको यही कलर देना है बैक वेजिटेबल में, तो आप ये इस तरीके से ये बैक वेजिटेबल बना के देन ये तो में है, जिसको हम बैक वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल अगरती बोलते हैं जिसको हम, ये आपका बैक वेजिटेबल बन के तैयार हो गया। आपको ये इतना ही बैक करना है, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना है, एकदम प्रॉपर बैक वेजिटेबल मीन्स की बैक वेजिटेबल बन के तैयार हो गया। आप इसको खाइए, इंजॉय कीजिए, इस तरीके के बनाइए, प्रैक्टिकल कीजिए, नई थ्योरी आपको वीडियो में अवेलेबल है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, देन आपको उसके लिए थैंक यू सो मच।